नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, जो एक बहुत ही अच्छी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है इस स्टॉक की, जो अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा है। दोस्तों आप देखें, इस स्टॉक ने जिस प्रकार के रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं वो अपने आप में फिनोमिनल है। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ आपको, मैं ज़रा ना 6 महीने का चार्ट दिखाता हूँ। निचले स्तरों से इस स्टॉक ने अब अपने निवेशकों को 209, जी हाँ 209 से ज़्यादा परसेंट का रिटर्न अपने निवेशकों को ये ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों, ठीक है। और अब इसने 20 रुपये के ऊपर अपने आप को सेटल कर लिया है दोस्तों, जो एक बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। और अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए जो दोस्तों अभी अभी खबर निकल के आई है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन देखिए, मैं इससे पहले आपको एक चीज़ समझा दूं कि इन स्तरों पे ना निवेश करना मुझे उतना सही नहीं लग रहा है। जी हाँ, देखिए इस स्टॉक में जो भी पॉजिटिव चीज़ें होनी थी, जो भी अच्छी चीज़ें होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी हैं दोस्तों। बट यहाँ से एक रैली करना और ऊपर से 200 आप कह सकते हैं, 300 आप कह सकते हैं, यहाँ से 200-300% और जाना, ये मुझे अभी यहाँ से टफ लगता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हैं निचले स्तरों 7-8 रुपये के आसपास, आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक इस स्टॉक में ज़रूर ज़रूर करें दोस्तों। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है जो शायद स्टॉक को एटलीस्ट 25 रुपये तक शायद लेकर के जा सकती है दोस्तों, ठीक है, अगर ये 20 रुपये के ऊपर सस्टेन रहता है। क्या है वो खबर, आप देखें वो खबर बहुत पॉजिटिव है। देखिए, सुजलॉन एनर्जी हिट्स 52-week हाई ऑन विनिंग विंड पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। एक नए विंड पावर प्रोजेक्ट को जीतने के लिए दोस्तों, जीतने के बाद कंपनी ने 52-week हाई टच किया है। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू इंस्टॉल 15 यूनिट्स ऑफ देयर S120/140 meter वाइड विंड टर्बाइन जनरेटर विथ अ हाइब्रिड लैटिस ट्यूबुलर टावर एंड अ रेटेड कैपेसिटी ऑफ 2.1 megawatt इच इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। जी हाँ, दो इन आप कह सकते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में लगाने के लिए इनको 2.1 मेगावाट का एक विंड टर्बाइन का ऑर्डर मिला है, विच इज फेनोमिनल दोस्तों। आगे चलते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे, द रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एक्सपेक्टेड टू इंस्टॉल 15 यूनिट्स, ठीक है, 15 यूनिट। नाउ अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस साइज कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी नियरली 20,000 हाउस होल्ड। जी हाँ, इस विंड एनर्जी से 20,000 घरों को बिजली मिल सकती है, जो ये 15 यूनिट के लगभग 2.1 मेगावाट की बिजली की बात कही जा रही है। और कम से कम 0.81 lakh tons ऑफ CO2 की इमिशन पर साल कम की जा सकती है। नो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल बी यूज फॉर कैप्टिव कंजम्पशन एंड द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कमीशन बाई May 2024, यानी नेक्स्ट ईयर मई तक ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीट हो जाएगा, ये कहना है CEO साहब के, JP चलसानी जी का। यानी एक मेगा चीज़ है दोस्तों प्रोजेक्ट, ना सिर्फ कंपनी के लिए हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी दोस्तों। आप चलते हैं नीचे, आप देखें तो Q1 2024 में कंपनी ने 2.17% की ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं डिक्लाइन जम देखी दोस्तों रेवेन्यू में, ऑपरेशन में, और नेट प्रॉफिट में 95.84% का गिरावट था ईयर ऑन ईयर, 102 करोड़। ये रीज़न ये दोस्तों बेस इफेक्ट के कारण, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों 100 basis points की गिरावट दिखाए थे, 15% पे आए थे। और सुसल एनर्जी आपको पता होना चाहिए भैया, ये विंड पावर सॉल्यूशंस पे, यानी ये प्रोजेक्ट एक बार शायद आपको लगता है ये जो पॉजिटिव खबर है शायद स्टॉक को 25 रुपये तक ले जा सकती है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।